नमस्कार दर्शक बंधु मो ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत करछि मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को शनि चलन कहा पई केमिति। दर्शक बंधु आम जानिछे जे 21 जानुरी 2023 माघ कृष्ण अमावास्या शनिवार ए दिन अपराह 5:15 समय रे शनि महाग्रह धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि को गमन करिबाकु जाउछंती। कुंभ राशि रे प्रवेश करिबाकु जाउछंती शनि महाग्रह। प्रत्येक राशि उपरे शनि चलन रो प्रभाव रहिछि अति धीर गति रे एवं तत्क्षणात फल प्रदान करी ग्रह होउछंती शनि। गोटिए राशि रे शनि 2.5 वर्ष अवस्थान करंती। शनि संपूर्ण ग्रह मंडल को परिक्रमा करबा को 30 वर्ष समय नहीं थांती। तबे शनि कर स्व क्षेत्र होची मकर एवं कुंभ राशि। तबे 17 जनवरी 2023 रे कुंभ राशि को शनि चलन हवा को जाउछंती। तबे ए परिप्रेक्षी रे आमे जदि लक्ष्य करबा ग्रह मानंकर गोचरीय भ्रमण को तबे आमर बृहस्पति मंगल शुक्र शनि एवं बुध एई पांचटी ग्रह स्वस्थान रे उच्च स्थान रे अवस्थान करूथिबा हेतु पंच महापुरुष योग सृष्टि होउछि एवं एई पंच महापुरुष योग रे शनिंकर धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि को चलिबा केते दूर आमर राशि पई एहार प्रभाव रहिछि ए प्रसंग ऊपर आज आम ए वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। तबे प्रिय दर्शक बंधु ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषयक मोर ए ऐतिहासिक चैनल को जदि आपण नुआ करी विजिट करिछंती मोर वीडियो भलो लागिले आपण निश्चित भाव रे मोर वीडियो को सब्सक्राइब करनेबे एवं लाइक करिबे। आपण को प्रिय परिजन मानक पई मोर ए वीडियो को आपण माने बहुल परिमाण रे शेयर करिबे। तबे आसंतु आउ विलंब न करी आज आमे आलोचना करिबा शनि चलन प्रसंग रे। तबे आपण मानक मन रे उत्सुकता बढ़ी गलाणी जानिबा पई जे मो राशि रे शनि की प्रकार प्रभाव पकेबे। मेष राशि ठारु मीन राशि पर्यंत ए द्वादश राशि रो फलाफल कौन रहिबो शनि की प्रकार रो तंकर फल देबे की प्रकार प्रभावित करिवे ए प्रसंग उपरे तो आज आमे आलोकपात करूछे। तबे दर्शक बंधु आमे जानिचे जे निज राशि ठारु शनि जेतेबेले जन्म राशि रे रहंती द्वादश रे रहंती द्वितीय रे रहंती से समय रे सेई राशि गुड़ी को उपरे शनि 7.5 रो प्रभाव रही था। एतत् भिन्न जदि शनि स्व राशि ठारु सप्तम रे अष्टम रे एवं नवम रे अवस्थान करंती ताहले सेई राशि गुड़ी को पाई शनि सप्ता हेई था। तबे तृतीय षष्ठ दशम एकादश रे गोचरीय स्थिति रे आमे जेतेबेले देखुचे निज राशि ठारु जदि शनि तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश रे अवस्थान करंती ताहले शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। सेहिपरि द्वितीय स्व राशि ठारु द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम एवं द्वादश भाव रे जदि शनि अवस्थान करंती ताहले शनि निश्चित भाव रे अशुभ फल प्रदान करिथांती। तेबे मेष राशि प्रथमे जदि आमे देखिबा मेष राशि कथा 17 जनवरी 2023 रे मेष राशि रे एकादश भाव को शनि आसीबे। वृष राशि को दशम भाव को शनि आसीबे। मिथुन राशि रे नवम भाव को शनि आसी जिवे। तेणु एही परिप्रेक्षी रे मिथुन राशि रे शनि सप्ता चालेबो। कर्कट राशि रे अष्टम रे शनि आसीबे शनि सप्ता भोग करिवे। सिंह राशि को सप्तम को शनि आसीबे। सिंह राशि व्यक्ति माने मध्य शनि सप्ताह प्रभावित हेबे। सेहिपरि कन्या राशि रे षष्ठ को शनि आसीबे। तुला राशि को पंचम को शनि आसीबे।
विछा राशि की चतुर्थ को शनि आसवे, धनु राशि को तृतीय को शनि आसवे, मकर राशि को द्वितीय को शनि आसी जिवे एवं कुंभ राशि जन्म शनि होइजिवे एवं मीन राशि पाई द्वादश रे शनि अवस्थान करिवे। एही परिप्रेक्षी रे मु कहिबाकु चाहिबि जे मकर कुंभ एवं मीन राशि मानक पाई शनि साढ़े साती भोग हब। प्रिय दर्शक बंधु एथर आमे कथाटिकु आउ टिके विस्तृत भावरे आलोचना करिबा जे क्यों राशि पाई शनि की प्रकार फल दबाकु जाउछंती, क्यों प्रकार प्रभावित करिबाकु जाउछंती। दर्शक बंधु प्रथम जदि आमे मेष राशि कथा देखिबा तेबे बहु दिनर जो आशा आकांक्षा अभिलाषा महत आकांक्षा आपण भितर थिला एगुड़िक निश्चित भावरे परिपूर्ण होबाकु जाउछि। बहु दिनर आशा स्वप्न आपणकर निश्चित भावरे एई अढ़ाई वर्ष भितर आपणकर सफलता आपणकु मिलिबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर यथेष्ट उन्नति घटिबो। व्यवसाय वाणिज्य करूथिबा भाई भौनी मानंकर निश्चित भावरे व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ ठंगरे नुआ ढांचारे आपण व्यवसाय को आरंभ करिवे एवं आपण आर्थिक दिगरे मध्य निजर स्थिति को सुदृढ़ करि पारिवे। प्रिय मेष राशि व्यक्ति विशेष जो माने रोजगारक्षम चाकरी आशाई प्रार्थी माने रहिचंती, जो माने रोजगार आशाई व्यक्ति माने रहिचंती कर्मसंस्थान अनुसंधान रहिचंती निश्चित भावरे एमानकु कर्म नियुक्ति मिलिबार सुजोग आसिबो, आपण माने रोजगारक्षम हेइ परिबे। तेबे एथि पई निष्ठापर उद्यम आपणकर दरकार। आर्थिक क्षेत्र रे निश्चित भावरे आपण प्रगति करि परिबे। शनि चलनर प्रभावरे आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन रे आपणकर सुख सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि हेबो एवं राजनीति क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति मध्य हेबो। स्वास्थ्य कथा जदि देखिबा स्वास्थ्य आपणकर जो दीर्घ दिनर जो पुरुणा रोग व्याधि गुडी को आपणकु कबळित करथिला एहा निश्चित भाबरे आपणकु एथुरु उपशम मिलिबो एवं आपणकर स्वास्थ्य तो निश्चित भल रहिबो। एथि सहित आपणकर शिक्षा कथा जदि देखिबा ताहले छात्र छात्री माने विद्यार्थी माने जो माने कॉम्पिटिटिव प्रतियोगितामूलक परीक्षा गुड़िक दौंती निश्चित भाव में उत्तीर्ण हो पारे शिक्षा क्षेत्र में सफलता अर्जन एवं प्रत्येक दिगर शुभफल आपण पाइबे। शत्रु आपणकर जो पछरे लागी रही थे से शत्रुगुड़िक आपणकर नतमस्तक आपणे हे आपणकर साहस पराक्रम निश्चित भाव वृद्धि पाइब। दर्शक बंधु सेपरि जदि वृष राशि कथा विचार को नवा तेल वृष राशि दशम रे शनि अवस्थान करथुवा हेतु जदिओ आपणकु प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता मिलिबो किंतु आपणकु अति कठिन परिश्रम करिवाकु हबो एवं आपणकर परिश्रम मूल्य सांगे सांगे न मिलले मध्य विलंब होथिले मध्य आपणकु आपणकर परिश्रम यथार्थ मूल्य आपण पाई परिबे। विलंबर हेले मध्य आपणकर कार्य सिद्धि हेबो। व्यवसाय वाणिज्य आपणकर उत्थान पतन अवस्था लागि रहिले मध्य ए शनि निश्चित भावरे आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे अनेकटा परिवर्तन आणिबे एवं आपणकर आर्थिक दिगरे उत्थान पतन अवस्था रहिले मध्य आपण निजकु संतुलित करि गोटे आर्थिक दिगरे आपण आगुकु अग्रसर होइ परिबे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन रे आपणकर टिके सहयोग समन्वयर अभाव देखागले मध्य आपण एहाकु जदि आपण एहाकु जदि सुपरिचालना करंती ताले निश्चित भावरे आपण पारिवारिक दाम्पत्य क्षेत्र रे सुख शांति पाई परिबे। स्वास्थ्य क्षेत्र रे आपणकु टिके सतर्क रहिबाकु पडिबो। तेबे जदि कोनसे प्रकार आपणकर स्वास्थ्य रे किछि व्यतिक्रम आसुछि ताले आपण डाक्तरंकर परामर्श नै आपण औषध पत्र सेवन करिवे। शिक्षार्थी मानक कथा जदि देखिबा ताले शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षार्थी माने निश्चित भावरे सफलता अर्जन करिवे किंतु शिक्षार्थी माने टिके अमनोयोगी हेइ पारंती पाठ पढ़ा प्रति सेमानकर आग्रह कमि पारे। तेबे एथि पई आमर निष्ठा एकाग्रता
सहित आम को जदि आम ठीक भाव परिश्रम करवा निश्चित भाव आम शिक्षा क्षेत्र में सफलता अर्जन करमर जो शत्रु आम पक्ष बलशाड़ी शत्रुगुड़िक जदि कई विरोधाभास करते कई शत्रु जदि आम पक्ष लग रही निश्चित भाव एम नतमस्तक हे जिते शत्रु लगे आपणकर शत्रु किसी क्षति करें ना तेरे से आम जब देखा मिथुन राशि कथा मिथुन राशि नवम शनि गोचर भ्रमण करेंगे और नवम भाव शनि तांकर प्रभाव पकेबे तेणु कर्म क्षेत्र में आपण निरंतर प्रयास करुथिले आपण तत्क्षणात परिश्रम मूल्य पाइपार विलंब होउथिले आपण परिश्रम यथार्थ मूल्य आपण पाइपर व्यवसाय क्षेत्र में आपण निश्चित भाव अग्रगति करें व्यवसाय सफलता अर्जन करें चाकरिया से प्रार्थी मैंने निश्चित भाव में कर्मसंस्थान पाइपर रोजगारक्षम हो पारे आर्थिक क्षेत्र में आपणकर उत्थान पतन अवस्था लग रही आपणकर आर्थिक क्षेत्र में आपण निजुक निजर प्रयास द्वारा निजर परिश्रम द्वारा निजर मेहनत द्वारा आपण निश्चित भाव निजर आर्थिक स्थिति को आपण सुदृढ़ करें तेरे प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति विशेष पारिवारिक दाम्पत्य सामाजिक क्षेत्र में राजनीति क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर जश मान प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी माने बा विद्यार्थी माने निश्चित भाव में सफलता अर्जन करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण को टिके सतर्क तार सहित आपण को चलिबाक हबो आ शत्रु माने आपण को निकट में नतमस्तक हेबे। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु देखिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक कथा कर्कट राशि अष्टम शनि अवस्थान करिवे तेणु अष्टम जेहेतु शनि अवस्थान करिवे ए परिप्रेक्षी रे आपण को कर्म क्षेत्र में अधिक रु अधिक मेहनत करिवाक पड़िबो एवं आपणकर विदेश भ्रमण मध्य जोग सृष्टि करैबो व्यवसाय क्षेत्र में वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में निश्चित भाव आपण सफलता अर्जन करेंगे चाकरी वृत्ति आशायी प्रार्थी माने जो माने रही निश्चित भाव कर्मसंस्थान सुजोग पाइबे किंतु मन रखंतु आपण को प्रत्येक क्षेत्र में आपण को विरोधाभास बाधा प्रतिबंधक सम्मुखीन आपण हो पारती ए प्रकार अनुभव कर पारती तेबे निजर दृढ़ इच्छा शक्ति एवं निजर दृढ़ मनोबल आपण को निश्चित आउ निजर परिश्रम निश्चित आपण को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जन कराइब स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण को स्वास्थ्य अवनति घटुले आपण निश्चित भाव पुराणा रोग व्याधि आपण चिकित्सा हेले आपण निश्चित आपण स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण सुफल पाइपर शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी माने बा विद्यार्थी माने सफलता अर्जन करेंगे राजनीति क्षेत्र में आपण ए वर्ष भाग नियंतु ना एवं शत्रु माने आपणकर किछि जो माने सम्मुख को न आसिले आपणकर प्रच्छद पटे रही आपणकर कार्य को आपणकर क्रोध बाणी को आपण संयमता रक्षा करिया पड़िबो एवं ए जे शत्रु विवादीय लोक माने रही एमानकर तीक्ष्ण नजर हुए तो आपण रही पारे से आपण को सचेतन रहा पड़ो। प्रिय सिंह राशि व्यक्ति विशेष आपणकर सप्तम शनि अवस्थान करेंगे कर्मक्षेत्र में आपणकर उत्थान पतन अवस्था लग व्यवसाय क्षेत्र में उत्थान पतन अवस्था लग चाकरी आशी प्रार्थी माने निजर उद्यम निष्ठापर उद्यम एवं निजर जो निष्ठापर प्रयास यहाँ द्वारा निश्चित आपण कर्मसंस्थान पाइपर हुए तो आपण को कर्मसंस्थान स्थायी न हो पारे अस्थायी भाव आप कर्म क्षेत्र पाइपारती तेरे आर्थिक क्षेत्र में तो आपण निश्चित उत्थान पतन अवस्था लग शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी माने अमनोजोगी हे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपणकर स्वास्थ्य अवनति देखा शत्रु बा विरोधात्मक लोक माने आपण पछरे लागिबार संभावना रही राजनीति क्षेत्र में आपण भाग नियंतु ना एवं प्रत्येक क्षेत्र में आपण गोटे शुभाशुभ मिश्रित फल को आपण शनि अनुभव करेंगे। तेरे कन्या राशि व्यक्ति विशेष दीर्घ दिन आपण जो समस्या भितर गति आसुले ये समस्या आपणकर दूर हम षष्ठ को शनि आपणकर अवस्थान करेंगे तेणु आपणकर बहुदिन
जो आशा अभ्यास रही पूरण हब व्यवसाय आपणकर जथेष्ट प्रगति घटव चाकिरिया से प्रार्थी मैंने चाकरी वृत्ति पाई आर्थिक क्षेत्र में आपणकर स्थिति को आपण सुदृढ़ करें पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में आपणकर हस खुशी वातावरण रहिबो राजनीति क्षेत्र में आप सफलता पाइबे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको टिके सचेतन रहिबाको पड़िबो शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी मैंने निश्चित भाव में सफलता अर्जन करिबे एवं आपण जदि चाकरी करिछंती ताहले चाकरी रे आपणकर पदोन्नति रे संभावना मध्ये रहिछि शत्रु मैंने आपणको निकट में नतमस्तक हेबे तेबे प्रिय तुला राशि व्यक्ति विशेष आपणकर पंचम रे शनि अवस्थान करिवे पंचम रे शनि अवस्थान कले साधारणत आमर आर्थिक दिगरे समस्या सृष्टि करै थांती तेणु ए परिप्रेक्षी आम जब देखा कर्म क्षेत्र में आपणकर जथेष्ट प्रगति घटव व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र में आपण निजर स्थिति को मजबूत करिपरिबे एवं आर्थिक क्षेत्र में आपणकर उत्थान पतन अवस्था देखा जाई पारे तेणु आपण निजर आय व्यय को सब बेले हिसाब कर मुताबक आपण को चलवाक पड़ो अनावश्यक खर्च वृद्धि को आपण को लगाम लगेबा पड़ो कारण आकस्मिक भाव आपणकर अर्थ व्यय होबार संभावना रही आर्थिक क्षेत्र कथा गला आम जब देखा स्वास्थ्य कथा आपणकर स्वास्थ्य अवनति घटिपे से आपको जथेष सतर्क रहा पड़ो आपणकर जे शिक्षार्थी मैंने रही विद्यार्थी मैंने रही अमनोजोगी हेले जदि ठीक भाव में मनोनिवेश करती निष्ठापर भाव उद्यम करती शिक्षा क्षेत्र में निश्चित आप सफलता पाई आपणकर जे शत्रु मैंने रही ए शत्रु मैंने आपण पक्षे जिते समालोचना कले भी आपण पक्षे जिते विरोधात्मक शक्ति लगे आपण कौन सी अनिष्ट करें ये थिला तुला राशि कथा आसतु जाणी बिछा राशि आपण चतुर्थ शनि अवस्थान करेंगे आपण कर्म क्षेत्र में जिते बड़े चतुर्थ शनि गोचर भ्रमण करते साधारणत कर्म क्षेत्र में आमर टिके जंजालमय परिस्थिति सृष्टि हुए जो मैंने सहयोगी कर्मचारी मैंने रही जो मैंने आम उपरिस्थ कर्मचारी मैंने रही उच्चपदस्थ अधिकारी मैंने रही साधारणत एम जो आम प्रति जो रहा कथा सहानुभूति ठीक रहे ना एवं आमर कर्म क्षेत्र जंजालमय परिस्थिति लगि रहा सहित आम विरोधाभास कर्म क्षेत्र सम्मुखीन हो था तेणु आम ये कर्म क्षेत्र में जो उत्थान पतन अवस्था यह तो निश्चित भाव आम अनुभव करवा ता छड़ा आपणकर गोटे जगार आउ गोटे जगह को ट्रांसफर हो संभावना सृष्टि पारे तेबे प्रिय बिछा राशि व्यक्ति विशेष एत सब समस्या भितर आप गति कले आपण मन भितर बहुत दिन आशा और अभिलाषा निश्चित भाव में पूरण हो पार व्यवसाय उत्थान पतन अवस्था लग रिया से प्रार्थी मैंने निश्चित भाव में चाकरी वृत्ति पाई आर्थिक क्षेत्र में आपणकर व्यय वृद्धि होते आपण निश्चित भाव आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करें पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में आपण टिके निजर क्रोध एवं वाणी उपर संयमता रक्षा कर चलिए तेणु आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में हूं तो टिके अशांति सृष्टि हो पारे आपण उचित कथा कहते आपणकर कथार मूल्य को अन्य माने बुझिबे नाही तेणु आपणकर जो व्यक्तित्व रोचे आपणकर अन्य पाई जो प्रभाव रही आपणकर व्यक्तित्व जो प्रभाव रही लोक माने सहजरे ग्रहण करें तेणु प्रिय बिछा राशि व्यक्ति विशेष आपण प्रत्येक क्षेत्र जदि विरोधात्मक अवस्था को गोटे बाधा विघ्न अवस्था को अनुभव करेंगे तथापि आपण निज समस्त समस्या को एड़े आपण निष्ठा प्रभाव में जदि कर्म करती निजर प्रयास जारी रखती ताले आपण प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाई एथिरे संदेह ना तेरे प्रिय धनुराशि व्यक्ति विशेष आपणकर तृतीय शनि अवस्थान करेंगे 2024 मसीहा परे शनि आपण शुभ फल प्रदान करेंगे तेरे 2023 मसीहाटी आपण हे तो शनि एत शुभ प्रभाव देवे ना तेरे प्रिय धनुराशि व्यक्ति विशेष
ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଚାକିରିଆ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଫେରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ହିଁ ପାଇବେ। ତେବେ ହଁ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆଗମନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ତେଣୁ ଶନି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ସ୍ୱରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମକର ରାଶି କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁ ସମାଲୋଚକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର କ୍ରୋଧ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଧନକ୍ଷୟ କରାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧାଭାସର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମାଲୋଚକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରୋଧାଭାସର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଶନି କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ସମୟ ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଏହି ଶନିଚଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ 2023 ଉପଲକ୍ଷେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାର୍ଷିକ ଫଳାଦେଶ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ସୁଧୀର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।